हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में मैं Redmi Note 5 और Moto G5 S Plus के बीच में स्पीड टेस्ट और फिंगरप्रिंट टेस्ट एंड कंपैरिजन करूंगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास दोनों फ़ोन हैं। Redmi Note 5 इस टेस्ट में मैं यूज़ कर रहा हूं। इसमें है 3GB रैम 32GB स्टोरेज और Moto G5 S Plus में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज। और आप देख सकते हैं दोनों फ़ोन की थिकनेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो दोनों फ़ोन को बूटअप करता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा फ़ोन फास्ट बूटअप करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों फ़ोन बूटअप हो रहे हैं और इनकी स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ। दोनों फ़ोन में स्नैपड्रैगन 625 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जो कि क्लॉक 2GHz है और दोनों फ़ोन में सेम एड्रीनो है 506 GPU। स्टोरेज की बात करें तो G5 S Plus में 64GB 4GB रैम है। Redmi Note 5 मैं यूज़ कर रहा हूँ 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला। प्राइस की बात करते हैं तो Moto G5 S Plus 14,000 में आ रहा है 4GB वाला, Redmi Note 5 3GB वाला 10,000 में। जैसे कि आप देख सकते हैं, Redmi Note 5 पहले ऑन हो चुका है, उसके बाद Moto G5 S Plus। आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। Redmi Note 5 Android Nougat 7.1.2 पे चल रहा है और Moto G5 S Plus Android Nougat 7.1.1, जैसा कि आप देख सकते हैं। Redmi Note 5 3GB RAM 32GB वाला है और Moto G5 S Plus में 4GB RAM और 64GB स्टोरेज है। और इस स्पीड टेस्ट में मैं बेसिक एप्लीकेशंस ओपन करके देखूंगा कि कौन सा फ़ोन फास्ट ओपन करता है, थोड़े सोशल मीडिया एप्लीकेशन एंड थोड़े गेम्स। सो पहले स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले आपको वाईफाई बता देता हूँ। दोनों फ़ोन सेम वाईफाई पर चल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों फ़ोन सेम वाईफाई पर चल रहे हैं। सो पूरे ऐप्स क्लियर कर देता हूँ। स्टार्ट करता हूँ स्पीड टेस्ट फ़ोन से। Moto G5 S Plus मैसेजिंग ऑनर Redmi Note 5 क्रोम। तो ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर कर दे के मैं वेब पेजेस ओपन करके देखूंगा कौन सा फ़ोन वेब पेजेस फास्ट ओपन करता है। पहले GSM Arena ओपन करते हैं। Redmi Note 5 फास्ट रहा। ये आर्टिकल ओपन करते हैं। G5 S Plus फास्ट रहा इस बार। फोन अरेना ओपन करके देखते हैं। दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ओपन करें कंप्लीट वेब पेजेस। ये आर्टिकल को ओपन करते हैं। G5 S Plus Apple India वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। Moto G5 S Plus फिर से Moto G5 S Plus BBC होम पेज ओपन करते हैं। Moto G5 S Plus फिर से कैमरा ओपन करते हैं। Redmi Note 5 फिर से सेटिंग्स। Moto G5 S Plus यूट्यूब। Redmi Note 5 क्लॉक। Redmi Note 5 कैलेंडर। Redmi Note 5 कैलकुलेटर। सेम टाइम प्ले स्टोर। फिर से सेम टाइम अमेज़न। Moto G5 S Plus फ्लिपकार्ट। Redmi Note 5 सोशल मीडिया एप्लीकेशंस देखते हैं। फेसबुक
मोटो G5S प्लस व्हाट्सएप, मोटो G5S प्लस इंस्टाग्राम, सेम टाइम मैसेंजर, मोटो G5S प्लस। मोटो G5S प्लस में 1 GB रैम एक्स्ट्रा है, इसलिए वो फास्ट कर रहा है। देखते हैं आगे। ट्विटर, मोटो G5S प्लस, स्नैपचैट, मोटो G5S प्लस। सो गेमिंग, देखते हैं कौन सा फ़ोन गेम फास्ट ओपन करता है। सबवे सफ़र, दोनों में सेम GPU Adreno 506 है। देखते हैं मोटो G5S प्लस फास्ट रहा। टेम्पल रन 2, फिर से मोटो G5 देखते हैं। मोटो G5S प्लस बिल्कुल थोड़ा सा फास्ट रहा। मैरियो रन, रेडमी नोट 5 इस बार फास्ट रहा। बिग बैश क्रिकेट, मोटो G5S प्लस फिर से। सो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, मोटो G5S प्लस में 1 GB रैम एक्स्ट्रा है, और आपने देखा कि मोटो G5S प्लस ज़्यादातर एप्लीकेशंस फास्ट ओपन किया रेडमी नोट 5 से। सो मल्टीटास्किंग देखते हैं। YouTube दोनों फ़ोन में रिफ्रेश हो रहा है, प्ले स्टोर दोनों फ़ोन में चालू है, Amazon रिफ्रेश हो रहा है रेडमी नोट 5 में, Flipkart दोनों में रिफ्रेश हो रहा है, Facebook दोनों में रिफ्रेश हो रहा है, WhatsApp रिफ्रेश रीलोड हो रहा है रेडमी नोट 5 में, Instagram भी रीलोड हुआ रेडमी नोट 5 में, Messenger भी, Snapchat भी रीलोड रेडमी नोट 5 में, ट्विटर भी रीलोड हो रहा है रेडमी नोट 5 में। सो गेमिंग मल्टीटास्किंग देखते हैं, और कौन सा फ़ोन रैम मैनेजमेंट में बेटर है इन दोनों में से देखते हैं। सबवे सर्फर, जैसा कि आप देखते हैं दोनों फ़ोन में सबवे सर्फर रीलोड हो रहा है। टेम्पल रन टू रेडमी नोट 5 में रीलोड हो रहा है। सो 4 GB रैम रहने की वजह से थोड़ा एडवांटेज है मोटो G5S प्लस को। मैरियो भी रेडमी नोट 5 में रीलोड हो रहा है। बिग बैश क्रिकेट रेडमी नोट 5 में ओपन था, मोटो G5S प्लस में रीलोड हो रहा है। सो जैसा कि आपने देखा, 1 GB रैम एक्स्ट्रा रहने की वजह से मोटो G5S प्लस में मल्टीटास्किंग बेटर थी। दोनों फ़ोन में ऐप्स क्लियर करके देखते हैं कौन सा फ़ोन क्लियर पहले करता है। मोटो G5S प्लस में फिंगरप्रिंट स्कैनर सामने साइड पर है होम बटन में। रेडमी नोट 5 में जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे बैक में है। सो दोनों फ़ोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर मैंने लगा लिया है। देखते हैं कौन सा फ़ोन अनलॉक फास्ट करता है। जैसा कि आपने देखा दोनों फ़ोन काफ़ी स्पीड ओपन कर रहे हैं। देखते हैं फिर एक बार, रेडमी नोट 5 फास्ट रहा। देखते हैं एक लास्ट बार, रेडमी नोट 5 का फिंगरप्रिंट स्कैनर मोटो G5S प्लस से फास्ट था ओवरऑल। सो दोस्तों प्राइस की बात करते हैं, तो मोटो G5S प्लस 14,000 में आ रहा है आजकल, 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाला। रेडमी नोट 5 3 GB 32 GB वाला 10,000 में आ रहा है, और 12,000 में आपको 4 GB 64 मिलेगा। डिज़ाइन की बात करते हैं, तो रेडमी नोट 5 में आपको लेटेस्ट वाला 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसको कम बेजल्स है ऊपर और नीचे। मोटो G5S प्लस में काफ़ी ट्रेडिशनल 16:9 वाला डिस्प्ले मिलता है आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं आपको ऊपर नीचे बहुत बेजल्स मिलेंगे। और कैमरे की बात करते हैं, तो मोटो G5S प्लस में एडवांटेज है, इसमें डुअल कैमरा है आपको बैक में, और रेडमी नोट 5 में सिंगल कैमरा मिलेगा आपको। और डिज़ाइन की बात करते हैं, तो मोटो G5S प्लस प्योर मेटल डिज़ाइन है, और दिखने में मोटो G5S प्लस काफ़ी बढ़िया लगता है। प्राइस की पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो रेडमी नोट 5 इज़ ए बेटर चॉइस आपके लिए। मोटो G5S प्लस
भी बहुत अच्छा है, आपको स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलेगा और प्राइस आपको थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। इस वीडियो को देखने के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद।